नमस्कार स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें तीन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स बताए थे, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। तो आज हम हार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। हार्ट जैसे कि मैंने बताया कि एक फैक्ट्री के फॉर्म में है, जिसमें कि ब्लड की पंपिंग होती है। तो हार्ट के फोर चैम्बर्स हैं, अपर टू चैम्बर्स एंड लोअर टू चैम्बर्स। ये जो ब्लू कलर में पेंटेड है, यह है राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। जो रेड कलर है, दैट इज लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम जो ऊपर के दो चैम्बर्स है, या जो अपर टू चैम्बर्स है, ये दोनों थोड़े ब्रॉड है। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो थोड़े नैरो है। एट्रियम का दूसरा नाम है ओरिकल, और एट्रियम को का प्लूरल वर्ड है एट्रिया। राइट साइड जो है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील करता है, या हम ये कह सकते हैं कि ब्लड जिसमें कि CO2 अमाउंट ज़्यादा है उससे डील करता है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल मींस हार्ट का जो लेफ्ट पार्ट है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील करता है। तो ओरिकल्स या एट्रियम में ब्लड आता है वेंस के थ्रू, वेंट्रिकल्स में और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है आर्टरीज के थ्रू। अब राइट एट्रियम से ब्लड जब राइट वेंट्रिकल में आएगा, तब ये ब्लड वापस ऊपर की तरफ ना फ्लो हो, और लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड वापस लेफ्ट आर्ट्रियम की तरफ ना फ्लो हो, इसलिए इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है वेल्व। तो यहाँ पर वेल्व प्रेजेंट है, जो कि रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं फ्लो अपर चैम्बर में। अब यहाँ पर हमारी कुछ गैलरीज प्रेजेंट है, जिसको हम कह सकते हैं कि वेना कावा प्रेजेंट है, वेन्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर सुपीरियर वेना कावा प्रेजेंट है, जो कि अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड लेके आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहाँ पर है इंफीरियर वेना कावा, जो कि लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड लेके आती है। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आ जाता है, तब ये यहाँ से लंग्स के लिए जाता है ऑक्सीजनेशन करने के लिए या ऑक्सीजनेट होने के लिए। और जब लंग्स में ये ब्लड प्यूरीफाई हो जाता है, ऑक्सीजनेट हो जाता है, तब पल्मोनरी वेन्स जो है वो लंग्स से वापस ब्लड लेके आती है। और यहाँ पर अरोटा है, अरोटा इट इज़ द मेन आर्टरी, जो कि प्यूरीफाइड ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में लेके जाती है, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी डिफरेंट टिश्यूज को ब्लड सप्लाई करती है। तो एक चीज़ हमें याद रखनी है कि आर्टरीज और वेन्स में, आर्टरीज जो है वो दे टेक अवे फ्रॉम द हार्ट, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं, और वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से। जब ऑक्सीजन यूज हो जाता है तब, या हम ये कहें कि जिसमें CO2 ज़्यादा है, ऐसा ब्लड वो लेके आती है वापस। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लंग्स से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, और पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है लंग्स के पास में। थैंक यू।